अब आप लोगों ने जोनाथन को बहुत बार टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पी मैचेस में देखा होगा, जब भी कोई बंदा सरप्राइजली जोनाथन को मारता ना, तब भी जोनाथन सामने वाले बंदे को मार देता है। मतलब इतना परफेक्ट एम कैसे हो सकता है किसी भी बंदे का, और इतना परफेक्ट जिगल, मतलब एक मतलब टाइमिंग होती है, ठीक है, हमें टाइम चाहिए भाई। पीछे से अगर कोई बंदा मारेगा ना, तो हम अचानक से प्रोन होते हैं और फिर उस पर जिगल देते हैं, एम करते हैं, और हमारे 90% चांस होते हैं मर जाए। बट जोनाथन ना काफी टाइम हमने देखा है, जोनाथन 1 HP पे भी ना जिगल देकर सामने वाले बंदे को एक परफेक्ट एम के साथ मार देता है, ठीक है। उसी चीज का आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे करता है। अगर आप 5 finger 4 finger 3 finger मतलब आपके जैसे भी कंट्रोल है ना, उन्हीं कंट्रोल में आपको एक छोटा सा चेंज करवाऊंगा, जिसकी वजह से आपका जो गेम प्ले है ना भाई, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और ये वाली जो टिप है ना, क्लासिक और टीडीएम दोनों प्लेयर्स के लिए, और आप लोगों के मन में काफी टाइम डाउट आता होगा भाई ये चीज का कि भाई जोनाथन तो थम खेलता है और बाकी जितने भी टी1 स्कॉम्पी प्लेयर्स या फिर हमारे ऊपर भी अगर लेते हैं ना भाई, हम 5 finger खेलते हैं 4 finger खेलते हैं, बट हम जोनाथन के इतना बेटर नहीं दे पाते। बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई आईफोन होता है, लेकिन आईफोन वाले बंदे भी ना जोनाथन की टक्कर नहीं ले सकते। मैंने एक बार पहले बताया था गेम सेंस का मैटर होता है, बट उसका एम भी है भाई, ठीक है। तो यही जो टिप है ना, मैं आपको बताने वाला हूं, और यही टिप जोनाथन यूज करता है। बाकी मैंने इसका कैसे पता लगाया वो आपको एंड में बता दूंगा। बाकी यार आप लोग सब्सक्राइब मत करना, बस वीडियो को लाइक कर देना, बस आप एंड में एक डिसीजन लेना भाई मैंने सही बताया कि नहीं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी वीडियोस के लिए, वरना मत करना, ठीक है, मैं आपको इरिटेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, जितने बंदे 5 finger 4 finger 3 finger खेलते हैं, थंब नहीं खेलते जो बंदे, ठीक है, उनकी ग्रिप है ना हमेशा ही थोड़ी सी ढीली टाइप होती है। मतलब आप कभी भी फोन को सही से नहीं पकड़ पाते, अगर 2-3 घंटे खेलते हो तो हाथ पेन करने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो ग्रिप है ना वो थोड़ी टाइट नहीं होती, ठीक है। तो ग्रिप का ना बहुत ज्यादा मैटर है। जोनाथन को आप लोग देखते हो भाई, जब भी जोनाथन बहुत दिनों बाद लाइव आता है ना, मैंने काफी टाइम बार नोट किया है, जब भी वो लाइव आता है ना, तो शुरुआत के 2-3 TDM जब वो खेलता है ना, तो वो गंदा पिटता है, ठीक है। और जब भी सामने वाला एनिमी जोनाथन को जिगल में एम में हरा देगा ना, मतलब जोनाथन मर जाएगा, तो मैं लिख के दे रहा हूं मां कसम भाई, जब भी जोनाथन मरेगा इरिटेट होता है, और इरिटेट होने के बाद ना वो हमेशा यही चीज करता है, मतलब अपनी फोन की ग्रिप को ना बार बार पकड़ता है, ठीक है। उसकी कोहनियों के नीचे एक तकिया होता है, और उस तकिए को बार बार अंदर की तरफ घुसेड़ेगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, अपने अपने पेट के पास लेके आएगा, बिल्कुल स्टोमच के पास, और बार बार ग्रिप को तगड़ा पकड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा वो, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब अपने फोन को ना बेस्ट होल्ड कर लेगा, मतलब अपना बेस्ट जो हमेशा करता ना वैसे अपने फोन को होल्ड कर लेगा, उसके बाद जो उसका गेम प्ले निकल के आता ना, तो वो पता क्या बोलता भाई, हाँ भाई वार्म अप हो गया, अभी से खेलेंगे, ठीक है। वो वार्म अप नहीं है, उसने जो ग्रिप पकड़ी है ना भाई, वो कसके पकड़ रखी है, और जो ग्रिप है ना वो आपके एम के लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर आप लोग चाहते हो ना फोन को कैसे पकड़ना चाहिए, फुल फेस कैम के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं जरूर से ट्राई करूंगा, मतलब एक बेस्ट वीडियो लेके आने का। मतलब हर चीज में, अगर आप मतलब चारपाई पे बैठ के खेलते हो, बेड पे बैठ के खेलते हो, चेयर पे बैठ के खेलते हो, हर चीज के लिए मैं बता दूंगा कैसे पकड़ना चाहिए 4 finger 3 finger थंब के लिए, ठीक है। तो वो चीज मैटर करती है, तो अगर आपको पता है ग्रिप मतलब कैसे होनी चाहिए आपके फोन की, तो आप मतलब बेस्ट दे सकते हो अपना, ठीक है। और सेकंड पॉइंट बताने से पहले बता देता हूं, जो थर्ड पॉइंट है ना भाई, वो जोनाथन की सीक्रेट ट्रिक के ऊपर है, ठीक है। देखो अगर आपको अपनी ग्रिप पकड़ने आ गई ना, तो एक बार के लिए आपका एम और आपका क्रॉस चेयर है ना वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सामने वाला बंदा अगर जिगल देगा ना, तो भी वो आपको नहीं मार पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा हो भाई, आप लोगों को ऐसा लगेगा भाई मैं जिगल तो दे रहा हूं, बट सामने वाला बंदा मेरे को मार कैसे रहा है। देखो 1v1 में ना हमेशा आपका एम मैटर करता है, जिगल इतने आपकी मूवमेंट मैटर नहीं करती जितना आपका एम मैटर करता है। अगर आपका एम तगड़ा है ना 1v1 में, तो आप सामने वाले बंदे को इजी टेक डाउन कर सकते हो। जितने भी कॉम्पी प्लेयर आप लोगों ने देखे होंगे ना भाई, वही जोनाथन की ट्रिक वो भी यूज करने लगे अभी के टाइम में। फिलहाल के टाइम में दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अभी बहुत सारे बंदों की ना हमेशा एक ही शिकायत रहती है, भाई मैं जिगल देता हूं ना तो मेरे से एम नहीं होता, और मैं जब एम करता हूं ना भाई तो मेरे से जिगल नहीं होता, ठीक है। इन दोनों चीजों पर जब आप फोकस करना सीख जाओगे ना, तब आप एक गोल्ड लेवल प्लेयर बन जाओगे, ये तो आप लोगों को पता है। बट मैं आपको बताता हूं, जो आपका जिगल है ना वो आपके एम के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। ये सच है कि भाई जिगल दोगे ना तो आपका एम नहीं होगा, बट ये भी सच है कि अगर आप परफेक्ट जिगल दोगे ना तो आपका एम ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। तो आपको क्या करना, अपनी जॉयस्टिक की ना एक बेस्ट प्लेसमेंट निकाल के लेके आनी है। अगर आप हमेशा मतलब ऐसे पिटते रहते हो ना, हफ्ते में 2-3 दिन पिटते हो, हफ्ते में 2-3 दिन सही खेलते हो, तो आपकी जॉयस्टिक की प्लेसमेंट है ना सही नहीं है। तो उसके ऊपर मैंने ये वाली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप लोग इसको देख सकते हो। मतलब आपको अपनी बेस्ट परफेक्ट जॉयस्टिक की प्लेसमेंट निकाल के लेके आनी है। और साइज मैं आपको बता देता हूं, 71 हमेशा रखा करो, मतलब अगर आप 71 रखोगे ना जॉयस्टिक का साइज, तो आपको आदत पड़ जाएगी, मतलब ज्यादा मूवमेंट रुकेगी भी नहीं, और जॉयस्टिक की प्लेसमेंट साइज सब कुछ मैंने बता रखा है भाई मैटर करता है कि नहीं करता, तो आप लोग उस वाली वीडियो को देख सकते हो। अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जोनाथन एक थंब प्लेयर है, और हम लोग खेलते हैं 5 finger 3 finger 4 finger, ठीक है। देखो अगर इन कंट्रोल्स में आप खेलते हो ना, तो कोई ग्रिप सही नहीं है, तो उसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अगर आप थंब खेलते हो ना, तो आपकी ग्रिप इतनी परफेक्ट होती है कि आप अचानक से अगर किसी जगह पे एम करोगे ना, तब भी आपका एम हमेशा ही परफेक्ट ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है। अगर आप किसी भी कंट्रोल के लेआउट में खेलते हो, फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, थर्ड वाले में, ठीक है, तो आपको ना दो फायर बटन दिए होते हैं, लेफ्ट वाला फायर बटन और राइट वाला फायर बटन, ठीक है। जो ऊपर की तरफ 3 finger वाले 4 finger वाले 5 finger वाले जो फायर बटन रखते हैं ना, उस वाले फायर बटन का यूज आपको ओनली मिड रेंज और लॉन्ग रेंज में करना है, ठीक है। और आपके लिए मैं एक नया फायर बटन लेके आया हूं, जो BGMI वालों ने ऑलरेडी दे रखा है, बट आपने उसका यूज नहीं किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दूसरे वाला फायर बटन है ना, जिसका यूज भाई जोनाथन
हस्तांतरण करता है, नीचे की तरफ जो अंगूठे की तरफ रखता है जहां पे हम कैमरा मूव करते हैं वहां पे आपको नीचे की तरफ रखना है। देखो ऐसे मैं कुछ दिखा देता हूँ। अभी देखो मैं थर्ड लेआउट पे खेलता हूँ, फाइव फिंगर खेलता हूँ, दोबारा मत पूछना ठीक है। बाकी मैंने कंट्रोल के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। जो ये ऊपर वाला फायर बटन है ना, इसका यूज आपको क्या करना है, मिड रेंज में करना है और लॉन्ग रेंज में करना है। सपोज करो मैं सामने बंदा है तो इसके लिए आपको इस वाले फायर बटन का यूज करना है, फायर के लिए भी, स्कोपिंग के लिए भी ठीक है। सपोज करो अगर आप मिड रेंज में आ जाते हो ना, मिड रेंज ये नहीं है ठीक है, मतलब ये तो क्लोज रेंज है, इसमें आपको इस वाले फायर बटन का यूज नहीं करना है ठीक है। इसमें क्या होता है आपकी एक्यूरेसी और जिगल है ना दोनों ही चले जाते हैं। इतनी दूरी पे आप इस वाले फायर बटन का यूज कर सकते हो, ऐसे फायर कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं। देखो आपको दिख भी रहा होगा ऊपर की तरफ जब मैं टैप कर रहा हूं। लेकिन अगर आप क्लोज रेंज में फाइट लेते हो ना किसी भी बंदे के साथ, तो आपको नीचे की तरफ ये वाला फायर बटन है जिसकी मैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूं और साइज भी मैंने बढ़ा दिया ठीक है। तो ये वाला फायर बटन आपको क्लोज रेंज के लिए यूज करना है। देखो क्लोज रेंज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है ना तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। और ये वाला फायर बटन आप फाइव फिंगर, फोर फिंगर, थ्री फिंगर या फिर कुछ भी खेलते हो ठीक है, टट्टी कुछ भी खेलते हो आप लोग, में आपको ये वाला फायर बटन यहां पे नीचे की तरफ रखना ठीक है और प्रैक्टिस करना है लॉन्ग रेंज में। आपको देखो ये चीज तो आपको अपनी माइंड की मसल्स में बैठाना पड़ेगा भाई, लॉन्ग रेंज और मिड रेंज में मैंने ऊपर वाला फायर बटन यूज करना है, और जब भी मैं क्लोज रेंज में होता हूं ना बंदे के, जैसे मैं बंदे को मार रहा हूं, आपको नीचे वाला फायर बटन यूज करना है। देखो जब भी आप मतलब आप टेंशन फ्री होते हो ना तो आपका पूरा पूरा ध्यान ना अपने जिगल और एम पे होता है। अगर आपको एम करना है तो आपको बस अपने अंगूठे से इस वाले बटन पे फायर करना है, और अगर आपको जिगल करना है तो दूसरे अंगूठे से करना है। टेंशन फ्री हो तो अपने अपने मसल्स में ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती भाई, बहुत सारे बटन है ऐसा नहीं होता। तो आप जब भी क्लोज रेंज में होते हो ना तो आपको एक अंगूठे से फ्री होकर, बिल्कुल माइंड फ्री होकर जिगल देना है, और दूसरे अंगूठे से आपको एम करना है और फायर करना है। और आपको एम तो मतलब जायरो से करना ही है ठीक है। बाकी जिन भी बंदों का जायरो डिले है मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूं, अगर आपका डिले है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। तो यही था भाई इस वाली वीडियो में, अगर आपको समझ में आया ना बिल्कुल भी कुछ भी मतलब मैं भड़वा हूं मेरे को पता है ठीक है, आपको कुछ भी समझ में आया मैंने अपना बेस्ट दिया, अगर कुछ भी समझ में आया तो भाई एक सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब एक एक सब्सक्राइबर से मतलब घड़ा भरता है ठीक है, तो वो घड़ा मेरे को भरना है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो में न्यू गेम पे लग सकता, तब तक के लिए बाय।